हेलो दोस्तों, और बताओ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनेंस। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस ये जो एक वर्ड है, ये हमने बहुत ही बार सुना है जब भी हम न्यूज देखते हैं टीवी पे या फिर हम न्यूज पेपर को पढ़ते हैं, और बहुत ही बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या है और ये हमारा लॉस क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस को भी समझेंगे होता क्या है। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस को हिंदी में हम अध्यादेश बोलते हैं और लॉ का मतलब होता है कानून। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस होता है क्या, इसको समझते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस जैसा कि है कि इट इज लाइक अ लॉ, ये एक हमारे कानून के जैसा है, विच इज प्रोमल्गेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा लागू करा जाता है ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, यानी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स की एडवाइस पर हमारे प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस को लागू करते हैं। मेन बात हमारी ये हुई। अब बात आती है इसको कब इश्यू करा जाता है, व्हेन इट इज इश्यूड। तो दोस्तों, द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, यानी कि ऐसा कोई भी समय जब भी हमारा कोई भी सभा या तो राज्यसभा या लोकसभा या फिर दोनों ही सेशन में नहीं है, तो उस समय हमारा ऑर्डिनेंस को लागू करा जाता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हमारी लोकसभा और राज्यसभा काम कर रही है, सेशन चल रहा है, बजट सेशन, मानसून या विंटर सेशन, तो उस समय हमारे बिल पास हो रहे होंगे, कोई भी नया कानून आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा समय आ गया जिस समय वो दोनों ही हमारे सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी आ गई कि हमें कोई एक पर्टिकुलर लॉ या कानून कुछ बनाना ही है, तो उस समय हम ऑर्डिनेंस बनाते हैं। वो काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और वो लागू करते हैं एक ऑर्डिनेंस को, यानी अध्यादेश को। इसकी वैलिडिटी जो दोस्तों होती है, वो हमारी होती है 6 मंथ और 6 वीक्स की, यानी कि 6 महीने और 6 हफ्ते, इतनी इसकी वैलिडिटी होती है। और दोस्तों, ऑर्डिनेंस की एक्सपायरी कैसे होती है, ऑर्डिनेंस विल एक्सपायर आफ्टर 6 वीक वंस बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर इन द सेशन, यानी जैसे ही हमारी पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, उसके दोनों हाउस राज्यसभा लोकसभा दोनों के दोनों सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके स्टार्ट होने के ठीक 6 हफ्ते बाद हमारा वो अध्यादेश एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा ऑर्डिनेंस। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करिएगा कि क्वेश्चन ये है मेरा, कैन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी मेड थ्रू एन ऑर्डिनेंस, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करा जा सकता है ऑर्डिनेंस के द्वारा कि नहीं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको थम्स अप करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ और बताओ को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू दोस्तों।